आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक भाई जी जुड़ गए हैं जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि बीपीएससी एग्जाम क्या होता है और इसके तहत क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं और उसका प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। ये बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी फिलहाल में, चलिए हम इनसे कुछ जानने का कोशिश करेंगे। चलिए बिपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ये बताइए कि बीपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पे आप हमें बोलने के कुछ निर्णय लिए हैं, तो थैंक यू। जो देखिए बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बात करते हैं तो इसमें बीए पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बैचलर डिग्री होना चाहिए। चलिए उसके पहले तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बीपीएससी के लिए कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बीपीएससी में जो जॉब कर सकते हैं। सबसे पहले तीन चरण में एग्जाम होगा, आपका पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। तीन चरण में एग्जाम होता है क्या बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद अगला का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं अभी, जो और कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, और जो एवरेज पैसा में कहाँ सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जो मीडियम फैमिली से आता है, जो लड़के के लिए जो बेस्ट हो सकता है। सबसे बेस्ट आपको मिलेगा पटना में, जो वहाँ पे है गुरु रहमान सर, यानी कि हम कोचिंग से संस्था बात करते थे, एमसीबी सर्विस सेंटर हो गया और गुरु रहमान सर का कोचिंग है, उसमें गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। और अन्य भी कोचिंग है, आप उनमें पता कर और सर से संपर्क कर फी के बारे में आप पता कर सकते हैं कि कितना फी है और जितना आपका एबिलिटी है, यानी कि जितना आपका क्षमता है, उस तरह से कोचिंग भी वहाँ उपलब्ध है। और बेहतर से बेहतर शिक्षा के लिए आपको दिल्ली भी आप चल जा सकते हैं। और बीपीएससी के एग्जाम के लिए कम से कम कितना देर स्टडी करना जरूरी होता है, जो एक एवरेज टाइम होना चाहिए जो बीपीएससी के लिए कितना देर वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ टाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 4 घंटा तो कोचिंग रहेगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट आपको ख़त्म करना है या तो 5 सब्जेक्ट, जिस तरह से कोचिंग का अलग अलग होता है। और यहीं पे आप टाइम की बात करते हैं, कितना घंटा हमको पढ़ना है, कितना घंटा नहीं पढ़ना, आपको जिस वक्त अच्छा लगे, लेकिन मिनिमम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि क्लास को छोड़कर जो टाइमिंग होता है उसको छोड़कर आपको 6 से लेकर 10 के बीच में आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि पीटी के लिए उसमें मेहनत चाहिए, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मेंस और फिर आएगा आपका इंटरव्यू, तो सबसे पहले आपको पीटी पे ही ध्यान देना है विशेष। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी का। और सठी का जो अब आने वाले हैं उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, वही का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप इस तरह अगले बार क्वालिफाइड आकर आप इंटरव्यू देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए।